आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक से मुलाकात करके अपनी दावेदारी पेश किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के लिए राष्ट्रीय सचिव से मिलने के लिए उत्साहित थे। इस दौरान संगठनात्मक बूथ को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पंडित रामहरि राय मधुकर और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, मैंने खड़ा हो जाता। संगठनात्मक बूथों को कैसे मजबूत करें हम, और आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का उसमें कैसे हम विजय श्री हासिल करें, इसके लिए बात हो रही है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पार्टी अपने स्तर पर तय करेगी। जो लोग प्रत्याशी हैं वह लोग इनसे मिल रहे हैं। सचिन नायक जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और उनसे सारे लोगों से पदाधिकारियों से प्रत्याशियों से सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और प्रत्याशियों का जो भी चयन है प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जिम्मे कर दिया है और जल्द ही लोकसभा की दूसरी लिस्ट भी जारी होने वाली है, सूची जारी होने वाली है। आज हमारे राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक जी जो है आकर गोरखपुर लोकसभा के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों से, हमारे कमेटी से और जो हमारे उम्मीदवार हैं शहर के लोगों से, फ्रंटल संगठन के लोगों से वो वार्ता कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी धार दें कि आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें हम विजय हासिल कर सकें। जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है और जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाला समय हमारा समय है, ये दिखाई दे रहा है आज इस तरीके से।